बच्चों अब हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक की नाम है जिसका व्हाट इज एन आइडेंटिटी। भाई आइडेंटिटी होती क्या है इसे समझते हैं। देखो तो हमारे टॉपिक के अंदर भी था ना कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, तो अभी तक आइडेंटिटीज नहीं आई थी, अब आई है कि आइडेंटिटी होती क्या, पहले इसको देखते हैं। देखो तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल हो, मान लो कि हम कहते हैं ये एक्सप्रेशन है आपके पास ए प्लस वन, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ए प्लस टू से, ठीक है यही चीज थी। जी हाँ यही है। तो इसको सोल्व कैसे करोगे आप, सिंपल सी चीज, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल है, तो क्या करेंगे ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इस पूरे से, देन वन को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, यही चीज थी। देखो ए को मल्टीप्लाई किया आपने ए प्लस टू से, यही हुआ, साइन क्या आया प्लस का, क्या है बार वन, मल्टीप्लाई होगा ए प्लस टू से, यही है। तो ए को ऐसे करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ए को टू से करोगे तो टू ए, ठीक है। ये क्या है वन, वन को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो क्या होता है सेम रहेगा, क्यों, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे प्लस ए प्लस टू, यहाँ पे देखो अब क्या आएगा ए स्क्वायर, ये वाला आपस में ऐड होगा प्लस थ्री ए प्लस में टू, यही चीज आई। देखो ये चीज आपके पास क्या हो गई, ये बन गई है, ठीक है। हम कहते हैं कि चलो मान लो कि अगर हम लेट ए की वैल्यू 10 डालते हैं, ठीक है ओके, ये मेरा क्या है LHS, लेफ्ट हैंड साइड में रख लो इसको, LHS हो जाएगा। ए की वैल्यू इसमें डालोगे 10, तो 10 प्लस 2 ये होगा, देन अंदर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है से 10 प्लस सॉरी ये 1 था एंड ये 2, यही चीज है, ये 11 ये 12, 11 मल्टीप्लाई हुआ 12 से तो क्या दे रहा है 132, यही चीज है ना। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है RHS, ये मेरा क्या है RHS, इस तरफ मैंने ऐसे निकाला है तो इसमें भी हम 10 डालेंगे कि राइट हैंड साइड में हमने क्या डाला, अब पकड़ा इसको तो 10 डालते हैं, ए की जगह 10 रखा स्क्वायर हो गया, देन 3 ए की जगह 10 रखो देन प्लस में 2, यही चीज आ गई। अब देखो 10 का स्क्वायर 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 प्लस में 2, ये सारे क्या हो जाएंगे 132। आपके पास अब गौर करो LHS इक्वल टू RHS आया नहीं आया, भाई ये LHS 132 आया, ये RHS 132 आया, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि यहां पे एक इक्वालिटी आ रही है, ठीक है ना। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इक्वालिटी आ रही है। अब मैं ए की वैल्यू 10 डालू 100 डालू जो मर्जी डालू, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, हमेशा आएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या हमारी एक आइडेंटिटी है, इसे हम इक्वालिटी कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, समझे, कि हमने एक चीज सोल्व करके निकाली तो ये चीज इसके इक्वल आई है, तो जो वैल्यू आप ए की इसमें डालोगे वही वैल्यू अगर आप इसमें डालोगे दोनों का आंसर सेम आएगा LHS का RHS के, ठीक है जी। तो इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती है, यहां पे आ जाइए उसे देख लेते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। अब यहां पे क्या हमने बाइनोमियल टू बाइनोमियल, जब हमारे पास दो टर्म वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके लिए बनाई हुई है जो पहली आइडेंटिटी हमारे पास, वो है हमारे पास देखो सबसे पहले कि सॉरी ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगर ये बाइनोमियल है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे ए प्लस बी से, ओके। तो इसका हमने क्या बनाया हुआ आंसर, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, ओके। कैसे आया एक करके दिखाता हूं, बाकी अपने आप करना, सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। देखिए हमारे पास क्या चीज है, इसे सोल्व करना है, ए मल्टीप्लाई होगा इससे बी मल्टीप्लाई होगा इससे, मतलब पूरे पूरे से, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई हुआ ए प्लस बी से, देन साइन इधर क्या है प्लस का, बी मल्टीप्लाई होगा वो भी ए प्लस बी से, नहीं होगा, देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय बी ए बी, यही होगा, इसको भी डायरेक्ट करते हैं, बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा, बी को बी से करोगे तो भाई बी स्क्वायर आएगा, यही चीज आएगी।
ए स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है बाहर लिखो, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है बाहर लिखो अलग से, ए बी प्लस ए बी कितने हो गए, दो ए बी हो गए, दोनों सेम लाइक टर्म है तो प्लस टू ए बी आ गया ना सेम। तो ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी है कि अगर दो बाइनोमियल है और दोनों की क्या सेम है, दोनों ऐड हो रहे सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट आती है हमारे पास जो दूसरी है कि अगर ये प्लस की जगह माइनस होते तो, यानी कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे ए माइनस बी से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले इस चीज को देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, ए माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई है उसको स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे इसको क्या लिख सकते हो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, उसको सोल्व करके हमें ये मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी, भाई ये लिखा रहा हो या ये लिखा रहा हो बात एक ही है, क्या करना आपको, यहां पे सिर्फ प्लस टू ए बी था, यहां पे माइनस टू ए बी कर देना है, सिंपल सी चीज। ठीक है, और कुछ नहीं करना और मत छेड़ना कुछ। ओके, अब तीसरी हमारे पास क्या होती है कि भाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई और आपका ए प्लस बी के साथ, हमारे पास जो टर्म एक्स वेरिएबल है वो तो सेम है बट साइन चेंज है, ठीक है बी का, तो क्या करेंगे यहां पे हमारे पास जो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसको सोल्व करके देखना बिल्कुल इस तरीके से कर लीजिए सेम आएगा। ठीक है जी, तो तीन आइडेंटिटी हो गई हमारे पास, एक लास्ट आइडेंटिटी और है हमारे पास, वो क्या है कि जस्ट अ मिनट ए हाँ जी, एक्स प्लस फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास, एक्स प्लस ए देन वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस बी के साथ, यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए तीन, यहाँ पे कितने थे दो वेरिएबल, बट बाइनोमियल ये भी है बाइनोमियल ये भी है, तो क्या करे, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है प्लस में एक्स ए प्लस में बी प्लस में ए बी, ठीक है एक्स का स्क्वायर करो देन आपको प्लस एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी देन प्लस अंदर ए बी, ठीक है ये होती है हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। ये चार आइडेंटिटी या फॉर्मूले बोलो उसको, याद कर लो अच्छे से, नहीं याद हो तो समझ लेना किस तरीके से सोल्व करके निकालो, जैसे जैसे करोगे अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको मैं छोटा सा बता देता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं हम, एग्जाम्पल आइए आपके पास आई थिंक चलो नंबर नहीं पता मुझे, 2x प्लस 3y, ठीक है इस तरीके से आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, हमारी कौन सी आइडेंटिटी है पहली वाली, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल उसी तरीके से फॉर्मूले में डालो, पहले a का स्क्वायर, a क्या है ये और ये क्या है b है मेरे लिए, ठीक है पूरा, तो a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है प्लस उसके बाद b का स्क्वायर है यानी 3y का स्क्वायर, देन क्या है 2a एंड b पूरा लिखेंगे। ओके, देन देखो क्या आएगा आपके पास 2x का स्क्वायर यानी 2 का भी तो स्क्वायर होएगा 2x, मतलब ऐसे लिखोगे 3y मतलब 3y स्क्वायर मतलब ऐसे लिखोगे, और ये कितना है 2 2 3 3 into 2 6 6 into 2 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स वाई ये तो सॉल्व हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व करो 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 एक्स से एक्स होगा एक्स स्क्वायर, 3 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 9 और वाई से वाई 9 स्क्वायर, देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप, 2 का स्क्वायर लिखो 4 आ गया, x का स्क्वायर लिखो x स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर लिखा 9 आता है, y का स्क्वायर लिखोगे y स्क्वायर होता है, सिंपल। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आइडेंटिटीज, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमारे पास है, इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, माइनस में आ गया या इस तरीके से आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, सिंपल डालो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू निकालो, तो पूरा का पूरा आप क्या करते थे इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह एक्सपेंड करते थे, वो करने की अब आपको जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले में डालो आंसर निकाल लो। ओके, चलिए ये चैप्टर आपका हो गया है आपके पास, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है या हमारे पास आइडेंटिटीज क्या होती है वो कर लिया, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।